घटनाओं के पीछे भागते रहने में कोई पत्रकारिता नहीं है, सब भाग रहे हैं उसी तरफ। आज ये कवर किया, उसको अगले दिन छापा या दिखाया, फिर दूसरी घटना हुई, फिर पागलों की तरह वहां चले गए। तो मैं अपने टीवी के मित्रों से ये कहता हूं कि जो नोएडा के स्टूडियोज में इनपुट और आउटपुट में जो अर्धविक्षिप्त आत्माएं बैठी हैं, उन लोगों ने ग्राउंड में काम करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनको खबरों की मनरेगा का आदमी बना के छोड़ दिया है। दिन भर खंती खोदते हैं, निकलता कुछ नहीं। मैं मांडू गया उस जगह पर जो उसी तरह के सरस्वती कंठा उपखंड के खंडहरों पर दिलावर खंडोरी का मकबरा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बुद्धिहीन अधिकारी मनीषियों ने वहां साइन बोर्ड ये टांगा हुआ है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मिसाल दिलावर खंडोरी का मकबरा। और जब आप उस शाही परिसर के अंदर दाखिल होंगे तो जहाज महल, हिंडोला महल, दो तीन जगह और ही 10-20-25 सेल्फी और फोटोग्राफी के बाद आपके 2-3 घंटे खर्च हो जाते हैं और आप लौट आते हैं। उस आखिरी कोने तक आप कभी नहीं जाते हैं जहां कभी सरस्वती कंठावरण हुआ करता था और जिसको 1401 एडी में क्यों बचाया। ये हमारे भीतर ये पीड़ा क्यों होनी चाहिए कि भारत की संस्कृति को बचाया जाए, क्यों बचाया जाए, ऐसा क्या संकट आ गया है। और अगर किसी इलाके में, कुछ जिलों में, किसी राज्य में, कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, अगर मान लीजिए कि 80% मुस्लिम हो भी गए, कभी 100% भी मुस्लिम हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपका कोई भूगोल उठा ले दिया क्या, कहीं पाकिस्तान वही का वही, भूगोल तो वही है ना। अभी चर्चा और विवाद का केंद्र रहा था, मैंने उसके कवरेज का मुझे मिला काम और मैं धार गया। जब वो कुछ इवेंट वहां थे, बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आते हैं और विवाद के वो जड़ होते थे कि पहले नमाज होगी कि पूजा होगी, दोनों हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, सफलतापूर्वक हो गई हैं, इस तरह के कवरेज सब। उसमें पूरे देश भर का मीडिया यहाँ आता था, इंदौर से जाते थे, धार के जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो वहां से कवर करते थे, भोपाल से आते थे। और किसी विवाद की, बड़े विवाद की आशंका में, चूंकि उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी एक संघर्षशील पार्टी थी, तो किसी टकराव की आशंका में दिल्ली के भी कुछ लोग चले आते थे। टेलीविजन चैनल आ चुके थे तो टीवी चैनलों का भी एक लाइव कवरेज का प्रावधान था। मैंने उस कवरेज में ये पाया कि जो मीडिया है वो घटनाओं के पीछे दौड़ता है पूरे समय, और मेरे अनुभव में ये आया कि घटनाओं के पीछे भागना पत्रकारिता नहीं है। घटनाओं के पीछे भागते रहने कोई पत्रकारिता नहीं है, सब भाग रहे हैं उसी तरफ। आज ये कवर किया, उसको अगले दिन छापा या दिखाया, फिर दूसरी घटना हुई, फिर पागलों की तरह वहां चले गए। तो मैं अपने टीवी के मित्रों से ये कहता हूं कि जो नोएडा के स्टूडियोज में इनपुट और आउटपुट में जो अर्धविक्षिप्त आत्माएं बैठी हैं, उन लोगों ने ग्राउंड में काम करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनको खबरों की मनरेगा का आदमी बना के छोड़ दिया है। वो दिन भर खंती खोदते हैं, निकलता कुछ नहीं, कोई सार्थक बात उसमें से नहीं निकलती। अभी आपने एक बहुत बड़े कवरेज को देखा होगा जिसमें हजारों घंटों का कवरेज हुआ है, वो सारे टीवी चैनलों का टोटल अगर आप करेंगे तो हजारों घंटों में हमारा समय नष्ट हुआ है एक ऐसे अपराधी पर जिसको दिखाने लायक कुछ नहीं, जो अपनी मौत खुद मर गया और उसके पीछे आप ऐसा पड़े हुए हैं और पूरे देश की प्राण लिए दे रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या उसका टेक अवे है, क्या सबक है लोगों के लिए। तो घटनाओं के पीछे भागना पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता कुछ बिल्कुल ही अलग चीज है। और भोजशाला का जब कवरेज करना था मुझे, उसके पहले मैं एक दिन गया अरविंद जी और सुरेश शेठ, स्वर्गीय सुरेश शेठ कांग्रेस के लीडर थे, उनके साथ मेरा भोजशाला जाना हुआ। और जब मैं उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो मैं क्या बताऊं कि उसमें मुझे कुछ ऐसा पासवर्ड दिखा जिसने मेरे लिए कोई इतिहास के दरवाजे खोले हो। और तब वो मुझे केवल उस घटना के कवरेज का विषय नहीं रहा जो शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी है और पूरा मीडिया इस बात पर आसमान सिर पर उठाए हुए है कि नमाज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज तो सरस्वती का यज्ञ भी होना, हनुमान चालीसा का पाठ भी होना और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। तो पूरा मीडिया जो देश भर से आया हुआ था वो पूरा घटना के पीछे, लॉ एंड ऑर्डर विषय था उसके लिए, घोषणा विषय नहीं थी।
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कि मुस्लिम बस्तियों में क्या चल रहा है, 6-7 लोग सरकारी किस्म के नमाज 1:30 बजे की नमाज में आके बिठा दिए गए और एक फोटोग्राफ जारी कर दिया गया और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि सब सफलतापूर्वक नमाज करा ली गई है। इतिहास की जैसे कोई बड़ी विकट घटना सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी हो, ऐसा वो एक राहत भरा एक लाइन का समाचार, और टीवी चैनल वाले फिर वो पूरे पुलिस वालों के आईजी के एसपी के सारे बाइट बाइट दिन भर धमा चौकड़ी करने के बाद सब अपनी अपनी धूल उड़ाते हुए रवाना। मैं उस गौशाला में अटका, वो दिन मेरे लिए वो दिन था जब मैंने इतिहास के पन्नों में झांकने की कोशिश की। मैंने अगले एक वर्ष तक अपने सारे साप्ताहिक अवकाश परमारों का इतिहास पढ़ने में लगाए, क्योंकि वो राजा भोज की कृति है, और मुझे ये जानकर बड़ा रोमांच हुआ कि ये गौशाला क्या है, और मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे बहुत से साथी उसके बारे में कवरेज करने के बावजूद नहीं जानते थे कि दरअसल उसका अतीत क्या है, धार का अतीत क्या है, धार की गौशाला का अतीत क्या है, मध्य प्रदेश में उसका क्या महत्व है, परमारों का क्या काम था। और वो व्यक्तित्व इसी शहर में अभी है, 90 वर्षीय डॉक्टर एस के भट्ट, जिनकी उंगली पकड़कर मैं परमारों के इतिहास में दाखिल हुआ, और मैं आज कृतज्ञ हूं उस गौशाला का, उस मूवमेंट का, आदरणीय अभय जी का, जिनको अभी श्रद्धांजलि आपने पढ़ी, जिन्होंने मुझे उस असाइनमेंट के लिए भेजा कि गौशाला का कवरेज आपको करना है। मैं क्या बताऊं, जब मैंने उस पूरे अतीत को जाना तो जिस गौशाला को हम गौशाला के नाम से जानते हैं, ये गौशाला इतिहास में कहीं इस नाम से दर्ज ही नहीं है, ये गौशाला के नाम से कहीं दर्ज नहीं है। राजा भोज के समय की बनी हुई ये पाठशाला थी, संस्कृत का स्कूल, ये बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था सेंट्रल इंडिया। डॉक्टर एस के भट्ट शायद यहाँ मौजूद है। तो उन्होंने मुझे, जब ये सारी चीजें मैंने अगले एक वर्ष तक उनकी उंगली पकड़कर मैंने परमारों के इतिहास में उतरा और वो दरवाजा बनी वो गौशाला, तो इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, और ऐसा एक नहीं था, तीन थे। परमारों की राजधानी राजा भोज उज्जैन से धार लेकर आए थे, पहले वो उज्जैन में थी। परमारों ने लगभग 350 वर्ष तक 26 जनरेशन तक इस इलाके में राज किया है, 26 पीढ़ियों का अटूट शासन रहा है, और उसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गुजरात का काफी बड़ा हिस्सा, राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर तक, चित्तौड़गढ़ तक उनकी सीमाएं हुआ करती थी। धार उनकी राजधानी थी, उसके पहले उज्जैन उनकी राजधानी थी। तो उज्जैन में उन्होंने पहली, जिसे गौशाला कहेंगे, वो पहला सरस्वती कंठाभरण संस्कृत का स्कूल वो उन्होंने वहां बनवाया था, और तीसरा बना था मांडू में, जिसका नाम उनके समय था मंडप दुर्ग, और उनके समय के दस्तावेजों में उस मंडप दुर्ग के सरस्वती कंठाभरण में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिस हॉस्टल में रहते थे उसके एक व्यक्ति गोविंद चंद्र भट्ट का नाम भी कहीं दस्तावेजों पर दर्ज है कि वो हॉस्टल के प्रभारी हुआ करते। अब धार की भोजशाला हमारी स्मृतियों में बची इसलिए रह गई कि ये राजा भोज की राजधानी थी, राजा भोज की राजधानी थी। उज्जैन की भोजशाला के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि हमें से कितने लोगों को पता है कि वो कौन सी इमारत थी और अब वो किस हाल में है। हमें नहीं पता है कि मांडू में वो कौन सी इमारत थी जो भोजशाला आज कही जाएगी, जो दरअसल सरस्वती कंठाभरण थे और संस्कृत की बहुत बड़े लर्निंग सेंटर थे अपने समय के। वो ऐसे लर्निंग सेंटर थे कि पूरे भारत में जो विद्वज्जन है, अलग अलग विषयों के जो विद्वान मनीषी लोग हैं, उनमें ये प्रतिस्पर्धा होती थी कि एक बार हमको राजा भोज की परिषद में जाने का अवसर मिले और उनके निकट उस सरस्वती कंठाभरण में बैठने का सौभाग्य मिले। ये भावना उस समय पूरे देश के विद्वानों में हुआ करती थी कि कभी एक अवसर मिले, ये प्रतिष्ठा उस समय थी। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एस के भट्ट के साथ में उज्जैन की उस गौशाला के खंडहरों पर गया, जो बड़े दुख का विषय है कि जो अनंत पेट नाम के मोहल्ले में आज बिना नींव की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मैं मांडू गया, उस जगह पर जो उसी तरह के सरस्वती कंठाभरण के खंडहरों पर दिलावर गौरी का मकबरा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बुद्धिहीन अधिकारी मनीषियों ने वहां साइन बोर्ड ये टांगा हुआ है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मिसाल है, दिलावर गौरी का मकबरा।
और जब आप उस शाही परिसर के अंदर दाखिल होंगे तो जहाज महल, हिंडोला महल, दो तीन जगह और ही 10-20-25 सेल्फी और फोटोग्राफी के बाद आपके 2-3 घंटे खर्च हो जाते हैं और आप लौट आते हैं। उस आखिरी कोने तक आप कभी नहीं जाते हैं जहां कभी सरस्वती कंठावरण हुआ करता था, और जिसको 1401 एडी में जब परमारों का पराभव हुआ, परमारों का सूर्यास्त हुआ इस पूरे इलाके में, अलाउद्दीन खिलजी के एक आतंकवादी एनुल मुल्क मुल्तानी ने जब यहां हमला किया मांडू पर डायरेक्ट, और उसने अंतिम परमार शासक महलक देव को मांडू के महलों में घेर कर मारा, उसके बाद ये सारे जो मंदिर थे, ये सरस्वती के टेंपल थे, और ये जो संस्कृत की पाठशालाएं थी जहां हमारे ज्ञान की सभी विधाओं के आचार्य और हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे, ये एक साथ 1401 में तोड़े गए। इनको मिट्टी में मिलाया गया, इनके मलबे से अब ये बिल्डिंग मटेरियल था, ये सैंडस्टोन जिससे ये सरस्वती कंठाभरण खड़े हुए थे, ये इनके लिए बिल्डिंग मटेरियल था, निर्माण की सामग्री। उस निर्माण की सामग्री से उन्होंने कुछ मस्जिद जैसी संरचनाएं खड़ी कर दी। उज्जैन में 1980 तक एक लावारिस स्मारक था जिस पर कब इंतजामिया कमेटी का कोई साइन बोर्ड टंग गया कि यह बिना नींव की मस्जिद है, ये कहीं उड़ कर आई है, इसकी कोई नींव नहीं है। और दिलावर खां गौरी का मकबरा वो बन गया मांडू में। उस दिलावर खां गौरी के मकबरे के पास में एक थिएटर है, थिएटर आज भी उसको थिएटर ही कहते हैं, रंग मंडप है। आपको ये जान के हैरत होगी कि वो 11th सेंचुरी में 11वीं-10वीं सदी में परमारों के वैभव के समय वहां नाट्य मंचन हुआ करते थे, नाट्यों के मंचन हुआ करते थे, स्टेज ऐसा ही स्टेज, ऐसी ही ऑडियंस के बैठने की पूरी व्यवस्था है। और अभिनय करते हुए अगर अभिनेता अपने संवाद भूल जाते हैं तो उनके नाटक वहीं शिलालेखों पर दर्ज थे, वो चलते चलते भी डायलॉग पढ़ सकते हैं और अभिनय कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था थी। वो आज भी वैसे ही, काफी हद तक वैसे ही है, बावजूद इसके कि बीच के 300-400 वर्ष जब दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे हुए और भारत का भूगोल और भारत की राजनीति और भारत का इतिहास बदलना शुरू हुआ, तो उसके बदलाव के असर दूर दूर तक हुए, वो यहां भी हुए। और यहां जब स्वतंत्र, जिन्हें वो सुल्तान, हमारे आजाद भारत के इतिहासकारों ने जिन्हें सुल्तान, बादशाह, नवाब और निजामों के ताज पहनाए, जिन्हें मैं कब्जेदार कहता हूं, सिर्फ वो आए हैं, उन्होंने हमले किए हैं, अकारण हमले किए हैं, अकारण, कोई कारण युद्ध के नहीं थे। तो 10-20 हजार की फौज में आना, किसी भी शहर को घेर लेना और उसको घेरे रहना, फिर वहां आगजनी करना, फसाद करना, लड़ाई झगड़े पैदा करना और रसद काटना, और उस तरह से हमले करके उसको पूरा लूट का शिकार बनाना, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना, ऐसी युद्ध की नीतियां हमने कभी नहीं देखी थी। तो 1235 में पहली बार उज्जैन ने अल्लाह अकबर के नारे सुने। 1235 के पहले अवंतिका में इस तरह के कोई नारे नहीं सुने गए थे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति यहां आया ही नहीं था। 1235 में इल्तुतमिश नाम का पहला आतंकी यहां तुर्कों की एक फौज लेकर आता है, मेरे विदिशा से, विदिशा मेरी शिक्षा भूमि रही है, विदिशा में वो उस विजय मंदिर को तोड़ता है जिसके बारे में उसी के समय के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी नाम की किताब में उसकी ऊंचाई लिखी है। इस विजय मंदिर की ऊंचाई 105 गज थी और वो बीजा मंडल नाम का खंडहर एक एक, एक मस्जिद जैसी एक संरचना है। बाद के कालखंड में उसी मलबे से किसी ने उस पर मस्जिद नुमा एक संरचना खड़ी कर दी, आज वो बीजा मंडल है। आप जानकर हैरत होंगे कि जब आप उसके उसकी बुनियाद पर खड़े होंगे और आप उसकी ऊंचाई की कल्पना करेंगे कि अगर ये ऐसे कोण के आकार में शिखर की तरफ गया होगा तो उसकी ऊंचाई क्या रही होगी, 105 गज से नीचे नहीं रही होगी। उसको तोड़ते हुए इल्तुतमिश के आतंकवादी लुटेरे जब उज्जैन को घेरते हैं तो प्राचीन महाकाल मंदिर को पहली बार ध्वस्त करते हैं, जिस मंदिर पर आप अभी दर्शन करते हैं, ये होलकर के समय का है, देवी अहिल्याबाई होलकर के समय का बना हुआ ये 17वीं-18वीं सदी का मंदिर है। तो ये सारे जो इतिहास के प्रवाह हैं, अब जो मीडिया का इतिहास है, आपने जो विषय है कि पत्रकारिता की संस्कृति के संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है, तो कुल जमा 250-250 साल की उम्र है
भारत में पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, भारत में जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, उसकी कुल जमा उम्र 250-250 साल है, वो अंग्रेजों के आने के बाद है। कुछ अखबार निकलना शुरू हुए बंगाल से, 1780 में पहला अखबार निकला, फिर पूरी 19वीं सदी में देश भर में अनेक अखबार निकले। संघ की स्थापना 1925 में हुई है, आज लगभग 100 वर्ष का होने जा रहे आरएसएस के समय में बहुत सारी चीजों पर हिंदुत्ववादी अखबार, हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी कोई ऐसे टैगिंग की जाती है, जो 19वीं सदी में संघ की स्थापना के 100 वर्ष से भी पहले 1820, 1822, 1825 के सालों में बंगाल से लेकर दक्षिण तक अनेक ऐसे अखबार निकले हैं जो कोई एक साल चला, कोई 6 महीने चला, कोई 4 अंक ही छपा, कोई 2 साल चला, बंद हो गया। और जिनका जब पत्रकारिता के विश्वकोश में हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं, उनके इतिहास के बारे में ये लिखा जाता है कि ये हिंदुत्ववादी विचारधारा के अखबार थी, ये हिंदुत्ववादी विचार को प्रश्रय देने वाला समाचार पत्रिका हुआ करती थी। समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, ये बंगाल से 1820 के आसपास निकले हैं राजा राममोहन राय के समय में। राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी के सीधे संपादक थे, उसके बाद उनसे जुड़े रहे एक बनर्जी साहब ने समाचार चंद्रिका नाम के ये निकाले। एक ऐसे कई अखबार थे, अनगिनत अखबार, अनगिनत, पूरी मोटी किताब भर जाए सिर्फ एक एक पैराग्राफ में उनका जिक्र होगा, इतने अखबार उस पूरी 19वीं सदी में निकले हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ उम्दा बातें लिखी, परिचय कराया, और ईसाई मिशनरियों का खंडन किया। जो धर्मांतरण का चक्र चलता था उसके खिलाफ लिखते थे वो, उसके एंपायर नाम का एक अखबार ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का कुचक्र चलाने वाली जो संगठित शक्तियां थी खुलकर, और वो तो इतने परंपरावादी थे कि जब राजा राममोहन राय और इन्होंने सती प्रथा के बारे में जब ये चला और 1830 के आसपास जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई, तो वो इतने परंपरावादी थे कि उनको उनको ये लिखना पड़ता था कि ये अनावश्यक हिंदू परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो ऐसे समाचार भी छापते थे कि कहीं किसी की मृत्यु हुई और उसकी पत्नी ने भी वहां आत्मदाह अगर कहीं इक्का दुक्का किसी घटना में कानून बनने के बाद भी कर लिया है, तो वो बड़ी प्रमुखता से छापते थे कि इस कानून का कोई असर नहीं होता, देखिए हिंदुत्व अपनी जगह काम कर रहा। मतलब वो इतने अपनी परंपराओं के साथ में जुड़े हुए थे। तो पूरी 19वीं सदी में बंगाल से लेकर और दक्षिण भारत तक सैकड़ों की संख्या में ऐसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएं निकले हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति एक पीड़ा का भाव जिनमें था, जिनमें कुछ ऐसा भाव था कि भारत में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें लिखना चाहिए। और उनका सर्कुलेशन क्या था, एंक्वायर नाम का जो अखबार था उसका सर्कुलेशन था सिर्फ 100 कॉपी, और जिस शहर में कोलकाता में शायद वो उतने ही घरों में बढ़ जाता था, क्योंकि वो डाक से भी भेज सकता था, 2 रुपए मासिक उसकी शुल्क होती थी, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं थी, वहन करने योग्य नहीं थी, तो बाहर नहीं जा सकता था डाक से, तो शहर में 100 कॉपी उसका सर्कुलेशन था सिर्फ 100, और वो 100 घरों में जाता था। लेकिन उनको ये पीड़ा थी कि भारत के बारे में कुछ ऐसा है जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो एक बार हम छापेंगे और वो सैकड़ों हजारों लोगों तक चला जाएगा, प्रिंट मीडिया, छपा हुआ कुछ सामग्री, और वो छापते थे और बेचते थे, घर घर जाकर बेचते थे। और भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में वो लिखते थे, लोगों को अवेयर करते थे। ईसाई मिशनरियां क्या गलत कर रही हैं अंग्रेजी हुकूमत में, इसके बारे में अवेयर करते थे, सरकार का कोप का भाजन बनते थे, वो जेल जाते थे, बंद होते थे, उन पर जुर्माने होते थे, हर्जाने होते थे, उनको जेल होती थी और वो जाते थे, लेकिन लौटकर फिर दूसरे नाम से लिखते थे। ये पूरा 19वीं सदी भरी पड़ी है। आप किसी भी राज्य के प्रकाशनों में जाएंगे, आप पत्रकारिता के विश्वकोश में जाएंगे, आपको ऐसे तमाम अखबार मिलेंगे, और आपका ये जानकर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कि ये कोई चुपचाप कोई एक दिया जलाए हुए है, 100 कॉपी छाप रहा है, 4 महीने से ज्यादा छापने की उसकी हैसियत नहीं है, 5वें महीने में वो भूतपूर्व अखबार हो गया है, लेकिन वो अपने समय में उस एक वर्ष में उन 4 महीनों में वो एक आहुति डालकर चला। इन 200-250 वर्षों में जो पत्रकारिता भारत में जिस रूप में हम देखते हैं उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है, और आजादी तक आते आते तो हम फिर सबको पता ही है कि क्या हुआ है, लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि आजादी के बाद इन 75 वर्षों में
जब हम अमृत काल से होकर गुजर रहे हैं, इन 75 वर्षों में जो काम होना चाहिए था सभी स्तरों पर, संस्कृति भारत की 10,000 साल का तो ज्ञात इतिहास है, भारत का 10,000 वर्षों का तो क्रमबद्ध ज्ञात इतिहास है भारत का। और ये इतना बड़ा विषय है कि ये किसी अकेली पत्रकारिता को तो हमें माफी करना चाहिए और कृपा करना चाहिए उस पर कि वो तो क्या संस्कृति का संरक्षण करेगी आज की पत्रकारिता, उसको तो थोड़ा दया करें हम उस पर, जाति कर रहे हैं अगर हम उससे ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भारत की संस्कृति के रक्षण में कोई अपना रोल फिक्स करे, कोई भूमिका तय करे, उस पर तो दया ही करो। आज की जो पूरी पत्रकारिता है और इतनी ताकतवर कि अब वो केवल प्रिंट नहीं है, और प्रिंट भी वो उतना नहीं है कि वो 100 कॉपी छाप पाए, जहां लाखों प्रतियां 8 घंटों में छापने की सुबह 4 बजे तक क्षमता की पूरी टेक्नोलॉजी आपके पास है, जिसका जो फलक है वो पूरा सैटेलाइट तक चला गया है, और आज की अभी की तस्वीर पूरी दुनिया में सेकंड्स में जाती है, और उससे भी आगे डिजिटल तक चला गया है, जहां अब तो टीवी इरेलेवेंट हो गया है, अब प्रासंगिक हो गया है टेलीविजन। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइम टाइम शो देखे हुए कई महीनों से नहीं देखे होंगे, बीच बीच में कुछ ऐसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मैच, कोई चुनाव का परिणाम या अतीत की यात्रा, तब हमने कुछ बीच में ताक झांक टीवी में की हो तो की हो, वरना मैंने 3 साल से सारे प्राइम टाइम देखना बंद किए हुए, मैं नहीं देखता हूं, सिवाय समय नष्ट करने के कुछ नहीं है। और ग्राउंड का कवरेज एक ऐसा निवेश का मामला है कि कोई टेलीविजन चैनल करना नहीं चाहता। यह बहुत आसान है कि 6 से 9 का तथा कथित प्राइम टाइम आप दिन भर में पड़ी हुई किसी एक चिंदी को उठा लाएं, इन्होंने एक बयान दिया बस एक उठा लाए और उसकी पूरी चादर तान दी 3 घंटों में, मिला कुछ नहीं। आप 3रे घंटे में जब उठेंगे पूरी बहस और पूरी डिबेट सुनकर, और आप उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके पूरे 3 घंटे के उसके टेक अवे के बारे में विचार करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उस पूरी बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, उसने किसी सिरे पर नहीं पहुंचाया। नुसरत फतेह अली खान की एक बहुत लंबी एक गाई हुई एक रचना है गोरख धंधा, वो सुनिएगा कभी, करीब 30 मिनट की एक लंबा एक ही कलाम है गोरख धंधा, वो उसमें ईश्वर को उलाहने दिए हैं, ईश्वर को किसी कलमकार ने उलाहने दिए हैं कि तुम गोरख धंधा हो, तुम ना दिखते हो, तुम कहते हो कण कण में हूं लेकिन दिखते भी नहीं हो, तो तुम तो गोरख धंधा, ऐसी उसमें उलाहने दिए गए। उसमें 2 लाइनें हैं, वो मैं आज की पत्रकारिता के बारे में बड़ा वो मौजूद है, उसमें वो कहता है फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी मतलब दार्शनिक को विमर्श विवादों के बीच वो बैठा हुआ है बहस करने में खुदा मिलता नहीं, ईश्वर प्राप्त नहीं होता, किसी दार्शनिक को किसी बहस में किसी शास्त्रार्थ में कोई ईश्वर नहीं मिलता। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। आज की जो पत्रकारिता है वो डोर को सुलझाने में लगी है, सिरों का पता ही नहीं है। अब हम आशा कर रहे हैं कि वो संस्कृति का रक्षण भी करेगी, तो उससे ये अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि बहुत ठीक होगी। संस्कृति को रक्षा क्यों करना, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया। मैंने एक इंटरव्यू देखा एक पत्रकार का, एक मैग्सेसे अवार्ड विनर भारत के एक पत्रकार का एक इंटरव्यू देखा, और वो एक मुस्लिम डोमिनेट वाले इलाके में आबादी के जो हमारे यहाँ जो पूरे एक साजिश के तहत कई इलाकों और सीमाओं पर कई जिलों में, अब वो ओपन फैक्ट है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों पे जाने की भी जरूरत नहीं है, और गूगल बाबा की मजार पे जाइए और टाइप कर दीजिए तो आपको सारे फिगर मिल जाएंगे, तत्काल मन्नत पूरी होगी आपकी। तो जो डेमोग्राफिक जो साजिशों के तहत पूरे देश का नक्शा बिगाड़ने की चीजें चल रही है वो इतनी अब ओपन फैक्ट है। उनका इंटरव्यू में कहीं सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में आया कि बात मार के दी है कि हमें किसी संस्कृति को क्यों बचाना चाहिए, क्यों बचाए, ये हमारे भीतर ये पीड़ा क्यों होनी चाहिए कि भारत की संस्कृति को बचाया जाए, क्यों बचाया जाए, ऐसा क्या संकट आ गया है। और अगर किसी इलाके में, कुछ जिलों में, किसी राज्य में, कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, अगर मान लीजिए कि 80% मुस्लिम हो भी गए, कभी 100% भी मुस्लिम हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका कोई भूगोल उठा ले गया क्या, कहीं पाकिस्तान वही का वही है, भूगोल तो वही है ना। तो उनकी दलील ये थी कि क्या फर्क पड़ जाएगा, रवीश कुमार उसकी दलील ये थी कि क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें कि वहां कितने मुस्लिम हो गए या क्या वो भारतीय नहीं है।
एक बड़ा सवाल मेरे भीतर पैदा हुआ कि बात सही कह रहा है ये कि क्या फर्क पड़ जाएगा, भारत तो तब भी रहेगा, केरल कैसा भी हो जाए, भारत तो आज भी है, कश्मीर कैसा भी हो गया है पंडित विहीन, और बंगाल जो उसी तरफ टॉप गियर में, तो क्यों बचाना, ये संस्कृति को बचाने का शोर क्यों? अब ये बड़ा बड़ा खतरनाक प्रश्न है और ये हम सबके मन में आना चाहिए कि ठीक है पाकिस्तान का भूगोल तो कोई नहीं उठा ले गया, जमीन तो नहीं है, सिर्फ बीच में कुछ लाइनें खींची, तो वो 100% इस्लामिक होने के बाद कितना भारतीय बचा, क्या इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि वो कितना भारतीय है? और जहां से जो भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो भारत के प्रतिनिधि हैं, और वहां से अगर एक भी कम होता है तो उतना भारत कम हो जाता है, ये मान के चलना। कोई जलाशय अगर सूखता है तो वो बंजर जमीन पर हो सकता है कि 100-200 साल लग जाए उसको पूरा सूखने, और तब तक हम ये सोचते रहें और प्रश्न करते रहें कि अगर पूरा पानी भी सूख गया तो ये जमीन कौन उठा ले जाएगा, जमीन तो वही रहेगी, भूगोल तो वही रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति का वहां से घटना एक बूंद पानी के उड़ने जैसा है, और एक एक बूंद पानी को उड़कर ही वो वीरान हो जाएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि दो तो टुकड़े हमारे आंखों के सामने अभी अभी 75 साल पहले हुए इस देश में, और वहां पूरे लगभग वो हिंदू विहीन होने की कगार पर है, और इसके बाद भी हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए कि वो उसके बाद भी उस दुर्भाग्य से मुक्त नहीं है, और जो कीमत उन्होंने चुकाई है वो बचे खुचे कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे हम कहते हैं, वो बचे खुचे भारत में भी वो उसी दुर्भाग्य को ढो रहे हैं आज भी, वरना क्यों ये कश्मीर और केरल और बंगाल के प्रश्न आज हमारे सामने इस रूप में खड़े हुए हैं। और तब जाकर थोड़ा समझ में आता है कि इस संस्कृति को बचाना क्यों जरूरी है। अगर हमारे पुरखों की अर्जित की हुई पूंजी, उनकी अर्जित की हुई प्रतिष्ठा इतनी लंबी और इतनी गहरी है, तो वो हर एक वर्तमान पीढ़ी के व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बचाए बर्बाद ना होने दे। आप ये व्यक्तिगत तौर पर सोचिए कि अगर आपके दादा ने, आपके परदादा ने कुछ आपके लिए कमा कर छोड़ा हुआ है पूंजी के रूप में, संस्कारों के रूप में, किसी और रूप में, तो क्या आप उसको यूं ही जुए में खर्च होना चाहेंगे, किसी जुए या सट्टे में खर्च करना चाहेंगे, आप उसको बचाना चाहेंगे? बचाना आपका धर्म है, उसमें जोड़ना आपका अगला धर्म है, उसमें जोड़ना आपका अगला धर्म है, और जोड़ ना सके तो कम से कम उसको रक्षित करके अगली पीढ़ी तक ही दे दें, वो बढ़ाती रहेगी।